ऑनलाइन गैस बुक करने का तरीका बता रहे हैं। इसमें आप लोग लगे रहिए और पेटीएम से गैस बुक करने का ऑनलाइन जो है ऑनलाइन जो गैस बुक करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आसानी से आप गैस का बिल जमा कर देंगे और उतना ही पैसा जमा करेंगे जितना आपको अनिवार्य है। इसलिए आप लोग चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। हम नई नई वीडियो आप लोगों को एक एक तकनीक के लिए जानकारी देते रहते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। और इसमें जो गैस सिलेंडर बुक गैस, इस पर आप क्लिक करिए। जो बुक गैस आपके सामने है, गैस का लोगो बना हुआ, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद इसमें आएगा कि मतलब कौन सा गैस आपको चाहिए, इंडियन चाहिए, एचपी चाहिए, भारत गैस चाहिए। तीनों गैसों में आपको कौन सा गैस चाहिए, जैसे भारत हुआ, एचपी हुआ, इंडियन हुआ, जो कंपनी आपका हो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे एचपी हो, भारत हो, इंडियन हो, कोई भी हो, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। ये पेटीएम से गैस ऑनलाइन बुक करने का तरीका हम बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप जो है हमारा एचपी का गैस है, हम एचपी पे ही आपको जानकारी देंगे और आपका जो भी होगा उस पर सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद एचपी पे हम क्लिक कर रहे हैं। एचपी पे क्लिक करने के लिए बिल पे गिल गैस का ये पेमेंट दे रहा है कि कैसे आप करेंगे, तो बुक कल्चर पे जाएंगे या मतलब उस पर जाएंगे कोई बात नहीं। एचपी का गैस देखिए आपके सामने सेलेक्ट हो गया। इसमें कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहा है कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर है कोई, तो आपका जो मोबाइल दर्ज किए हैं एजेंसी में वो नंबर आप डालेंगे, फिर आपको ऑनलाइन ये मतलब बताएगा कि मतलब क्या पोजीशन है, कैसे क्या करना है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करिए, तो हमारा मोबाइल नंबर हम अपना दर्ज करना है। तो इस तरह हम मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर दिए। अब ये बता रहा है कि प्रोसीड मतलब आगे बढ़िए। आप जो है एचपी का गैस जो है देखिए बुक हो गया, अपना हम मोबाइल नंबर इंट कर दिए हैं और मोबाइल नंबर एक्टिव हो गया है, जब ग्रीन रहेगा तो एक्टिव हो गया। उसके बाद आप जो है ऑफ़र वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, जैसे इसमें दे रहा है 800 रुपये कैशबैक, तो पेटीएम से आप करेंगे बुकिंग तो 800 रुपये कैशबैक दिखा रहा है कि 800 रुपये आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो इसलिए आपको फ़ायदा है ऑनलाइन ही गैस बुक करेंगे तो 800 नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ ना कुछ मिलेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग गैस जो है ऑनलाइन लीजिए, इसमें आपका 1 रुपये फालतू नहीं जाएगा, जो चार्ज रहेगा वही लगेगा। तो इसमें 800 रुपये आज की डेट में दिखा रहा है कि 800 रुपये बुकिंग ऑफर चल रहा है, आपके सामने देख लीजिए 800 रुपये लिखा हुआ है। तो अब हम आगे चलते हैं प्रोसीड पे चलेंगे, इसको क्लिक करेंगे। फिर देखिए हमारा गैस हमने जो है लिया था तो ऑनलाइन ही गैस हम लेते हैं, इसलिए इसमें क्या है कि ऑनलाइन लेने पे जो है डिटेल हमारा फीड हो गया है। इसमें आपका फीड नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, अपना ये जो है कौन कंज्यूमर नंबर जो है आपको डालना पड़ेगा, नाम नहीं डालना पड़ेगा, कंज्यूमर नंबर डालेंगे तो आपका वो खोजेगा। फिर एजेंसी का नाम डाल लीजिए, जैसे हमारा एजेंसी एचपी का गैस अंश के नाम से है, एजेंसी अंश निगम एचपी का गैस ये जो है तो अंश निगम पे है, 22-41-39 जो है हमारा गैस का एजेंसी जिस सेक्टर में है वो है मतलब, तो अंश निगम एचपी गैस जो हमारे एजेंसी का नाम है तो वहाँ का दिखा रहा है। तो इस तरह से आपको 22-41-39 दिखा दिया और 888.05 रुपया ये आपके सामने दे रहा है। इसमें क्या चक्कर है कि आपको गैस जो है मतलब जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको 1 पैसे फालतू नहीं देना, जैसे 888.05 रुपया आपको पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसमें आपको ऑफ़र जो चल रहा है 800 रुपये बुकिंग का कॉन्टेक्ट विथ, तो इसमें आपको 800 रुपये कैशबैक
एटीएम मतलब 800 नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ ना कुछ दे देगा। फिर आप जो है मान लीजिए आप देख लें गैस हमारा हमारा कंज्यूमर यही नंबर है 600 600 96, तो आप अपना चेक करके ही पेमेंट कीजिएगा। पहले आप अपना देख लीजिए, हाँ मेरा उठा लिया, मेरी एजेंसी का नंबर उठा लिया और कितना अमाउंट है, अमाउंट जैसे 888.05 रुपया है, तो सब देखने के बाद ही आप पेमेंट करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसके बाद आप जो है इसको देख लीजिए पूरा सावधानी से कि हाँ ठीक है, HP कंपनी गैस है, मोबाइल नंबर हमारा दर्ज हुआ, और उसके बाद ये भी मतलब जो भी है आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड लिखा हुआ है तो फास्ट फॉरवर्ड पे आप जो है क्लिक करिए। फास्ट फॉरवर्ड जो है फास्ट फॉरवर्ड क्लिक करने के बाद प्रोसीड ये पे 888.05 रुपया। अब ये दिखा रहा कि अब आप जो है आपके वॉलेट से पेटीएम वॉलेट से पेमेंट आपका कट जाएगा। तो इसके बाद इसमें ऑफ़र भी आपको दिया है कि मतलब भाई ऑफ़र तो है ही है आपके साथ, और बाकी आपको प्रोसीड अब करना है, बस यही लास्ट चारा है कि आप प्रोसीड करेंगे। देखिए जैसे इसको प्रोसीड किए तो अब ले जाएगा हमको अपने अकाउंट के बारे में, तो अकाउंट के बारे में ले जाएगा तो आपके पास जैसे हमारा यूनियन बैंक है, आपके पास कोई भी बैंक हो या डेबिट कार्ड हो, पेटीएम कार्ड हो, कोई भी हो, आप इसमें जैसे डेबिट कार्ड हो तो डेबिट कार्ड पे इस पर करेंगे तो इस पर दिखा देगा अपना डेबिट कार्ड डालिए, हर चीज़ डाल देंगे, जैसे इसमें नंबर जो भी है अपना डाल देंगे, पेटीएम में जो होता है डेबिट कार्ड में तो उस पेटीएम पे जो होता है एटीएम में, तो एटीएम का डेबिट कार्ड जो भी है फिर उसके डेट एक्सपायरी डाल देंगे, फिर उसका बैंक में जो अंक होता है उसको डाल देंगे, मतलब इसमें भर देंगे, फिर पे कर देंगे, उससे भी हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारा तो बैंक मतलब ज्वाइंट है, इसमें कोई वो नहीं, भीम UPI हो या कोई हो उससे आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। हमारा मान लीजिए वो नहीं है तो हमें ऐसी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही हमने आपको बताना था। और मान लीजिए हमें यूनियन बैंक पे करना है तो हमारा यूनियन बैंक लगा ही है, तो जैसे हम इसको पे करना है, अब जैसे 888.50 रुपया है प्रोसीड करने के लिए बोल रहा है बैलेंस, अब यहाँ जाएंगे, उसके बाद आपको बस पिन कोड भर देना है अपना, जो जो आपका पिन कोड है पेमेंट कटाने का, तो 888.50 ही शो कर रहा है, बस यही कर दीजिए, उसके बाद पेमेंट कट जाएगा। फिर आप जाके जो डिलीवरी करते हैं गैस उनसे अपना गैस ले लीजिए, या मतलब अपना गैस ले लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि मैं ऑनलाइन पेमेंट किया हूँ, वो चेक कर लेंगे, आपको गैस मिल जाएगा, आपका वही दाम वही रेट रहेगा। तो इस तरह दोस्तों हम अपना गैस सिलेंडर आसानी से बुक कर सकते हैं, और हमने आप लोगों को काफ़ी जानकारी दी है, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, नई नई तकनीक हम बताते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद जय भारत।